हेलो दोस्तों, एजुकेशन बोर्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो क्या ये डिफेक्ट है? नहीं भाई, ये डिफेक्ट नहीं है बेसिकली। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं मोल्डिंग डिफेक्ट के बारे में। तो दिस इज द मोल्डिंग डिफेक्ट। देखो, मोल्डिंग डिफेक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जब भी हम लोग किसी प्लास्टिक कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं जो कि इंजेक्शन मोल्ड से बनाने वाले हैं, तो उसके अंदर कुछ इश्यूज वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। बोल सकते हो कि कुछ प्लास्टिक प्रोडक्ट क्वालिटी के कुछ इश्यूज रहते हैं ड्यूरिंग द मोल्डिंग, जब हम लोग मोल्ड टेक्नोलॉजी से उसको निकालते हैं, राइट? ठीक है, तो बेसिकली कोई भी प्लास्टिक कंपोनेंट या फिर प्लास्टिक प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? अपीयरेंस में अच्छा होना चाहिए, है ना। डायमेंशन एक्यूरेसी उसकी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए और एप्लीकेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए जो कि उसका एप्लीकेशन है, राइट? तो ये तीन पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हम लोग किसी प्लास्टिक कंपोनेंट को इंजेक्शन मोल्ड से बना रहे हैं, राइट? ठीक है, तो बेसिकली मोल्डिंग डिफेक्ट मतलब होता है क्वालिटी इश्यूज, ठीक है, जो कि किसी भी प्रोसेस के द्वारा हो सकता है, या तो मोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा हो सकता है, या मटेरियल जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके कारण हो सकता है, या फिर टूल डिजाइन जब हम लोग कर रहे हैं तो डिजाइन के दौरान भी कुछ गलती हो सकती है बाय द डिजाइनर, तो हो सकता है। तो इसको ठीक करने के बाद या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, जो भी हम लोग ये तीन प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इसके कॉम्बिनेशन से हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं तभी हमारा कस्टमर जो रहेगा वो हैप्पी रहेगा, राइट? ओके, ठीक है। कॉमन मोल्डिंग डिफेक्ट क्या हो सकते हैं? देखो, जनरली मोल्डिंग डिफेक्ट जो होते हैं वो होता है फ्लो लाइंस, बर्न मार्क, वॉरपेज, फ्लैशेस, वैक्यूम वॉइड्स, राइट, सिंक मार्क, वेल्ड लाइन और शॉर्ट शॉट। ठीक है, तो इस तरह के कुछ मोल्डिंग डिफेक्ट होते हैं जो कि प्लास्टिक के कंपोनेंट के ऊपर आपको नजर आते हैं। तो मोल्डिंग प्रोसेस को कंट्रोल करके या फिर गेट डिजाइन के अंदर मॉडिफिकेशन करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? मैंने ये नहीं बोलता कि पूरी तरह से ये आप पूरी तरह से इसको हटा सकते हो या पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हो। हाँ, ये चीज है कि इसको कम किया जा सकता है, राइट? तो इसको स्टॉप करना जरूरी है। अगर स्टॉप नहीं करोगे तो आपका कंपोनेंट जो है वो अच्छा नहीं बनेगा, राइट? ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आता है हाउ, कैसे करेंगे, राइट? तो बेसिकली इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, वी कैन अवॉइड दिस ऑल डिफेक्ट। ठीक है, प्रोसेस देखते हैं कैसे होगा। देखो, बेसिकली हम लोग इसको जब भी हम लोग इसको अगर अवॉइड करना है तो हमको फ्लो रेट को या टेम्परेचर को या फिर इंजेक्शन प्रेशर को या फिर मोल्ड डिजाइन के अंदर मॉडिफिकेशन हमको इसके अंदर करना पड़ता है, या तो कंट्रोल करना पड़ेगा फ्लो रेट, टेम्परेचर या प्रेशर को, या तो फिर मोल्ड डिजाइन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जनरली फ्लो रेट, मोल्ड टेम्परेचर, इंजेक्शन प्रेशर, पार्ट पार्ट के डिजाइन में चेंज करना पड़ सकता है या फिर मोल्ड डिजाइन में भी चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है, या फिर मोल्ड डिजाइन वर्क को हमको या मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, तो जनरली अगर मैं बात करूं तो दो प्रोसेस है हमारे पास, क्वालिटी केट डिजाइन, ठीक है, कैड डिजाइन जो भी हम लोग करते हैं, या तो कंपोनेंट हो सकता है या फिर वो मोल्ड हो सकता है, तो उसके अंदर हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, या फिर कंट्रोल सिस्टम में बोल सकते हो फ्लो रेट, मोल्ड टेम्परेचर, इंजेक्शन प्रेशर, ठीक है, इसको कंट्रोल करके भी हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं, राइट? ठीक है, वन बाय वन हम लोग देखते हैं कौन कौन से मोल्डिंग डिफेक्ट और उसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, राइट? देखो, सबसे पहले है फ्लो लाइंस। ठीक है, फ्लो लाइंस किस तरह से दिखता है? सबसे पहले हम लोग तीन पॉइंट समझेंगे कि अपीयरेंस, कॉजेज और सॉल्यूशन, क्या क्या उसके अपीयरेंस होते हैं, कैसा दिखता है, कॉजेस क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकता है और सॉल्यूशन क्या होते हैं, राइट? सबसे पहले अपीयरेंस देखते हैं, फ्लो लाइंस किस तरह से नजर आता है। एक वेवी पैटर्न आपको नजर आएगा, ठीक है, मतलब लाइंस जैसा आपको नजर आएगा, ठीक है, जो कि कंपोनेंट के ऊपर रहेगा, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कोई भी नेरोअर सेक्शन होगा अगर आपके मोल्डेड कंपोनेंट के अंदर, तो वहां पर आपको यही वाला वेवी पैटर्न नजर आएगा, राइट? कॉजेस क्या हो सकते हैं? आपकी कूलिंग जब स्पीड होती है, जो भी मोल्डिंग की कूलिंग स्पीड होती है उसके अंदर वेरिएशन अगर होगा तो ये इसका कॉज हो सकता है, क्योंकि कहीं पर ठंडा कम होगा, कहीं पर ठंडा ज्यादा होगा, ठीक है। डिफरेंस इन वॉल थिकनेस, वॉल थिकनेस जो भी आपके कंपोनेंट की वॉल थिकनेस है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर अगर 1 mm है, कहीं पर 2 mm है, कहीं पर 3 mm है, राइट, तो उस डिफरेंस के कारण भी आपकी कूलिंग जो होगी वो अनइवन होगी, ठीक है, कूलिंग में वेरिएशन होगा, तो दैट्स व्हाई फ्लो लाइंस वहां पर क्रिएट हो सकती है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? इसका सॉल्यूशन रहेगा, इंजेक्शन स्पीड को थोड़ा सा आप इंक्रीज करो, ठीक है, अगर इंजेक्शन स्पीड को अगर आप इंक्रीज करोगे, प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर को अगर आप इंक्रीज करोगे, तो बेसिकली उसको इतना बोल सकते हो कि वो पहले ही फील हो जाएगा मटेरियल इंप्रेशन के अंदर, ताकि वो आसानी से मतलब कूलिंग के पहले ही वो आसानी से फील हो जाए, ताकि कूलिंग के लिए हमको समय मिल जाए, राइट? तो फ्लो लाइंस क्रिएट नहीं होगी। अच्छा, कैसा दिखता है फ्लो लाइंस? कुछ इस तरह से नजर आएगा, इसके ऊपर आपको एक दिख रहा है वेवी पैटर्न, ठीक है, तो वेवी पैटर्न किस तरह से, इस तरह से कुछ लाइंस जैसा नजर आता है, ठीक है, तो ये एक तरह का डिफेक्ट है, ठीक है, तो इसको अवॉइड किया जा सकता है, राइट। बर्न मार्क की बात करें, बर्न मार्क कैसे दिखता है भाई? देखो, अपीरियंस इसका जो होता है वो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जिस तरह से कोई चीज जल जाती है ना, वो उस तरह से नजर आएगा, तो ब्लैक स्पॉट या फिर रस्ट कलर्ड आपको नजर आएगा, ठीक
ठीक है, जनरली ये जो नजर आता है वो किसी भी कंपोनेंट के जो एज होता है ना वहां पर नजर आएगा, ठीक है, जो लास्ट एज जो जो रहेगा कंपोनेंट का वहां पर नजर आएगा, राइट। ठीक है, कॉजेस क्या हो सकते हैं इसका? बेसिक जो उसका कॉजेस है बर्न मार्क का, वो है ट्रैप्ड एयर। जो भी प्लास्टिक मटेरियल के अंदर जो ट्रैप्ड एयर होती है, राइट, तो इम्प्रेशन के अंदर वो एयर जो होती है वो ट्रैप्ड हो जाती है, राइट, तो उसका कारण ट्रैप्ड एयर है, ठीक है। या फिर इसका एक और कारण हो सकता है, वो होता है ओवरहीटिंग ऑफ मोल्ड, या फिर बोल सकते हो कि मटेरियल जो होता है उसका भी अगर ओवरहीट कर दोगे अगर आप, कि तो भी बर्न मार्क प्रोड्यूस हो सकता है, राइट। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ठीक है, मेल्ट जो भी मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली अगर वो कम विस्कोसिटी का अगर हम यूज करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। या फिर मेल्टिंग टेम्परेचर को थोड़ा सा, या फिर मोल्ड टेम्परेचर को अगर हम लोग थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है, जिससे ओवरहीट नहीं हो, तो भी बर्न मार्क प्रोड्यूस नहीं होगा, या फिर उसको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है, किस तरह से। और या फिर इंजेक्शन स्पीड को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि जो एयर जो उसके अंदर ट्रैप्ड होती है उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाए, तो भी बर्न मार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। बर्न मार्क किस तरह से दिखता है? देखो, बेसिकली मटेरियल जल जाता है, ठीक है, इस तरह से मटेरियल जल जाता है और ये एक ब्लैक स्पॉट बन जाता है, और ब्लैक स्पॉट कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, लाइक दिस, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बर्न मार्क। वॉर्पेज डिफेक्ट क्या होता है? वॉर्पेज मतलब होता है मुड़ जाना, या फिर बोल सकते हो कि भाई वॉर्प हो जाना, राइट, ठीक है। अपीरियंस कैसा होता है? दिखने में अगर देखोगे तो मटेरियल कहीं ना कहीं से वॉर्प हो गया है, मुड़ गया है, ठीक है, किसके कारण? स्ट्रेस के कारण, क्योंकि मटेरियल के ऊपर कुछ ना कुछ क्या लगेगा, स्ट्रेस लगेगा, कंपोनेंट के ऊपर स्ट्रेस लगेगा, कूलिंग जब होगा वो, राइट, दैट्स व्हाई, तो वो ट्विस्ट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, और जो भी हमारा कंपोनेंट मिलता है हमको थोड़ा सा मुड़ा हुआ मिलता है कहीं ना कहीं से, राइट, तो डायमेंशन इनएक्यूरेसी आ जाती है उसके अंदर। कारण क्या हो सकता है इसका? अनइवन कंपोनेंट वॉल थिकनेस, वॉल थिकनेस जो है कहीं पर कम है कहीं पर ज्यादा है, तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है, राइट, ठीक है। और होता है अनइवन कूलिंग, कूलिंग जो है प्लास्टिक कंपोनेंट के लिए वो कहीं पर कम हो रही है कहीं पर ज्यादा हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कोर और कैविटी में कम और ज्यादा हो रही है, तो भी वॉर्पेज का कारण वो बन सकता है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? सॉल्यूशन हो सकता है कूलिंग को आप यूनिफॉर्म करने की कोशिश करो, लेकिन कूलिंग अगर यूनिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, है ना। या फिर आप बोल सकते हो कंपोनेंट जो है कंपोनेंट को रीडिजाइन करो, ये वॉल थिकनेस जो रहेगी उसको यूनिफॉर्म करने की कोशिश करो, या फिर आप बोलते हो रिब और गसेट्स का भी हम लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंपोनेंट दिख रहा है जिसके अंदर वॉर्पेज डिफेक्ट दिख रहा है आपको, देखो कंपोनेंट मुड़ रहा है, मतलब ये पूरी तरह से आप बोल सकते हो कि जो भी डायमेंशन है ना उसको कम ज्यादा कर रहा है, कहीं पर डायमेंशन जो थे वो उसको बदल दे रहा है, राइट, ठीक है। तो बेसिकली मुड़ जाना, मुड़ जाना मतलब इस तरह से नहीं मुड़ना है कि भाई आप पूरे करियर में ही मुड़ गए, करियर में नहीं मुड़ना है, राइट, ठीक है, मुड़ जाना मतलब कंपोनेंट का मुड़ जाना, ओके। चलिए, फ्लैशेस, फ्लैशेस मतलब बेसिकली क्या होता है? फ्लैशेस किस तरह से दिखते हैं, चलो उसके बारे में बात करते हैं। फ्लैशेस मतलब एक्सेस मटेरियल, है ना, जब हमारा कंपोनेंट की बात करते हैं तो कंपोनेंट से बाहर एक्सेस मटेरियल निकल जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्लैशेस, ठीक है, मतलब एक्सेस मटेरियल निकल जाना, ठीक है। तो बेसिकली इसका कारण क्या हो सकता है? इसका मेन जो कॉज होता है ना वो इंजेक्शन प्रेशर क्लैंपिंग फोर्स से ज्यादा हो जाता है, मतलब जो मटेरियल को हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं वो जो प्रेशर है या फिर फोर्स है वो क्लैंपिंग फोर्स से ज्यादा हो गया, दैट्स व्हाई वहां पर फ्लैशेस क्रिएट हुए, राइट। या फिर बोल सकते हैं कि इसका एक और कारण है, वो है लोअर विस्कस मटेरियल, मटेरियल का विस्कोसिटी इतना ज्यादा कम है कि वो फ्लैशेस जनरेट कर रहा है, राइट, ठीक है। सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? इंटरलॉक आप प्रोवाइड करो इंप्रेशन के अंदर, ठीक है, इंटरलॉक अगर प्रोवाइड कराओगे तो फ्लैशेस बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। या फिर मटेरियल को रिप्लेस करो, मतलब लोअर विस्कस मटेरियल को आप रिप्लेस करो विथ हाई विस्कस मटेरियल, जिसके कारण से फ्लैशेस बनने के चांसेस कम हो जाए, ठीक है। कभी कभी एयर वेंट जो हम लोग क्रिएट करते हैं ना उसके अंदर से भी निकल जाता है, क्योंकि वो लोअर विस्कस होता है मटेरियल, राइट। फ्लैशेस किस तरह से नजर आते हैं? कुछ इस तरह से आपको फ्लैशेस नजर आएगा, लेकिन फ्लैशेस जनरेट होने के कारण क्या होता है, उसके अंदर पोस्ट प्रोसेसिंग हमको करना पड़ती है, फिर से हम लोगों को उस मटेरियल को काटना पड़ेगा, तब हमारा फाइनल कंपोनेंट हमारे पास आएगा, राइट। चलिए, वैक्यूम और वाइट्स क्या होते हैं? इसका अपीरियंस क्या होता है भाई? इसका अपीरियंस जो रहेगा, बेसिकली बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, एयर पॉकेट्स क्रिएट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ट्रैप्ड एयर के कारण, राइट, तो बेसिकली ये एक डिफेक्ट है, ठीक है। लेकिन बेसिकली इसका कॉज क्या हो सकते हैं? इसका कॉज बेसिकली जनरली होता है, वो होता है ट्रैप्ड एयर, ठीक है, जो भी मटेरियल होता है वो केमिकल से मिलकर बना होता है, तो वो एयर को प्रोड्यूस करता है, तो वो जो एयर होता है वो ट्रैप्ड हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर इस कारण से वॉइड्स क्रिएट होते हैं। इसका बेसिकली जो ट्रैप्ड होना वही इसका कारण है सबसे ज्यादा,
ठीक है, एयर का ट्रैप होना। सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? देखो, सॉल्यूशन हो सकता है कि आप इस तरह का मटेरियल चूज करो या फिर लोअर विस्कस मटेरियल चूज करो, तो जिससे बबल्स बनने के चांसेस कम हो जाएं या फिर एयर पॉकेट बनने के चांसेस कम हो जाएं, राइट? या फिर एयर वेंट हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा इनटू द कैविटी। एयर वेंट मतलब एक स्लॉट हो सकता है या फिर एक जगह हो सकती है जहां से जो भी एयर रहेगी वो पूरी तरह से एस्केप हो जाए, निकल जाए वहां से, राइट? तो भी वाइट्स क्रिएट नहीं होंगे, राइट? नहीं तो इस तरह से बबल्स आपके क्रिएट होते रहेंगे उसके अंदर, ठीक है? ओके, चलिए, तो इस तरह से बबल्स दिखते हैं। अगर ट्रांसपेरेंट कंपोनेंट रहेगा ना तो उसके अंदर बबल्स विजिबल रहेंगे, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा तो सेक्शन व्यू काट के आपको देखना पड़ेगा कि हाँ बबल्स तो आपको लेकिन वहां पर मिलेंगे, तो ठीक है। तो जो कलर्ड कंपोनेंट रहेगा उसके अंदर आपको नॉन विजिबल रहेगा जो भी एयर वेंट जो भी व्हाइट्स रहेंगे, राइट? सिंक मार्क, सिंक मार्क का अपीरियंस कैसा होता है भाई? बेसिकली क्या होता है कि एक रेसेस होता है या फिर डिप्रेशन होता है कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है? बेसिकली क्या होता है, मटेरियल जो अंदर से पूरी तरह से क्या नहीं हो, ठंडा नहीं हो पाता, तो वो बाहर के मटेरियल को पुल कर लेता है, खींच लेता है, राइट? तो दैट्स व्हाई वहां पर सिंक मार्क प्रोड्यूस हो जाता है, राइट? कॉजेस क्या हो सकते हैं? वो इनसफिशियंट कूलिंग, ठीक है, कूलिंग पूरी तरह से नहीं हो पाई है, इस कारण से सिंक मार्क प्रोड्यूस हुआ है। और इसका एक और कारण हो सकता है, वो हो सकता है लो प्रेशर इन द मोल्ड कैविटी, ठीक है, लो प्रेशर इन द मोल्ड कैविटी, ये एक और कारण हो सकता है सिंक मार्क प्रोड्यूस होने का। इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? कूलिंग टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज करो फॉर द टू लिमिट श्रिंकेज, राइट? ठीक है, या फिर बोल सकते हो डिजाइन योर मोल्ड विथ थिनर कंपोनेंट, पतले कंपोनेंट के लिए अपने कंपोनेंट को अगर बनाओगे तो सिंक मार्क प्रोड्यूस नहीं होगा, तो कंपोनेंट के वॉल थिकनेस अगर ज्यादा होती है ना तो ही सिंक मार्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है? क्योंकि पतला कंपोनेंट रहेगा, थिनर कंपोनेंट रहेगा, तो वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, राइट? ठीक है, सिंक मार्क किस तरह से दिखता है कंपोनेंट के अंदर? देखो, जनरली आपको जहां पर भी जॉइंट होता है ना कंपोनेंट के अंदर, वहां पर आपको इस तरह से सिंक मार्क प्रोड्यूस दिखेगा, ठीक है? जैसे जहां पर रिब है फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर आपको सिंक मार्क नजर आएगा, राइट? तो सिंक मार्क मतलब क्या हुआ? गड्ढा, आप बोल सकते हो गड्ढा, राइट? ओके, वेल्ड लाइन, वेल्ड लाइन का अपीरेंस कैसा होता है? बेसिकली वेल्ड लाइन किस तरह से दिखता है कि जिस तरह से कोई दो मटेरियल को हम लोगों ने वेल्ड किया हुआ है वहां पर, राइट? ठीक है, तो एक आपको एक लाइन नजर आएगी, ठीक है, जो कि आपके बाल, जो भी आपका बाल रहता है, हेयर होता है, उसकी तरह आपको मिलेगा वहां पर एक लाइन। अगर बाल की तरह अगर आपको मिलेगा, मतलब वहां पर वीक है, तो जो मटेरियल का बॉन्डिंग है वहां पर वो वीक है, ठीक है, तो वहां पर कम मटेरियल की स्ट्रेंथ नहीं रहती, कंपोनेंट की स्ट्रेंथ नहीं रहती, तो वेल्ड लाइन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, राइट? कॉजेस क्या कारण है? बेसिकली इसका कॉजेस जो हो सकता है, टेम्परेचर इज नॉट इनफ, या फिर टेम्परेचर पूरी तरह से नहीं है, ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, दैट्स व्हाई वहां पर वेल्ड लाइन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। या फिर इसका एक कारण ये हो सकता है, कंपोनेंट की ज्योमेट्री भी हो सकता है, कि कंपोनेंट की ज्योमेट्री के अंदर कुछ इस तरह से कोई फीचर है कि वो मटेरियल का जो फ्लो है वो दो डायरेक्शन से करा रहा है, ठीक है, दो डायरेक्शन से मटेरियल का फ्लो होने के कारण वो मटेरियल का दोनों जो फ्लो हैं वो आपस में मिलेंगे, राइट? दैट्स व्हाई वहां पर वेल्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, राइट? सॉल्यूशन क्या हो सकता है? रीडिजाइन द रनर और गेट, रनर और गेट को इस तरह से डिजाइन करो कि मटेरियल के अंदर यूनिफॉर्म फीलिंग हो या फिर इंप्रेशन के अंदर यूनिफॉर्म फीलिंग हो, ठीक है, तो दैट्स व्हाई वेल्ड लाइन प्रोड्यूस नहीं हो। या फिर ट्राई टू प्रोवाइड बैलेंस गेट, ठीक है, या तो रनर को इस तरह से क्रिएट करो या तो गेटिंग जो करो वो बैलेंसिंग करने की कोशिश करो, राइट? तो ये बेसिकली डिजाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट? ठीक है, इस तरह से वेल्ड लाइन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वेल्ड लाइन किसके कारण जनरली होता है? कि भाई दो तरफ से मटेरियल आ रहा है क्योंकि बीच में कोई एक इंप्रेशन नजर आ रहा है, राइट? शॉर्ट शॉर्ट क्या प्रॉब्लम होती है? शॉर्ट शॉर्ट का देखो अपीरियंस कैसा होता है, मतलब मटेरियल पूरी तरह से फील नहीं हुआ है, पूरी तरह से फील नहीं हुआ है इंप्रेशन के अंदर, और वो सूख गया है लेकिन पूरी तरह से फील हुआ ही नहीं है। कॉज क्या हो सकता है? फ्लो रिस्ट्रिक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम नेरो और ब्लॉक गेट्स, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन हो सकता है जो कि फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। एक हो सकता है मटेरियल बहुत ज्यादा विस्कस है, उसको बहुत ज्यादा गाढ़ा मटेरियल है ना, तो हाई विस्कस मटेरियल जो होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट? तो वो बेसिकली, राइट? या फिर सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? देखो, इंजेक्शन स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करो तो शॉर्ट शॉर्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि समय से पहले अगर वो भर जाएगा ना तो शॉर्ट शॉर्ट नहीं आएगा। रिप्लेस द मटेरियल विथ लोअर विस्कोसिटी मटेरियल, ठीक है, मटेरियल जो भी लोअर विस्कोसिटी मटेरियल है उसके साथ अगर आप रिप्लेस करोगे तो भी शॉर्ट शॉर्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? शॉर्ट शॉर्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी तो इम्प्रूव द रनर और गेट सिस्टम, वो भी शॉर्ट शॉर्ट प्रॉब्लम को हम लोग थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ नजर आता है। जब मैं पार्ट की बात करता हूँ, देखो ये पूरी तरह से पार्ट है जो कि हमारा डिजाइन पार्ट है, लेकिन जब हम लोगों ने इसको मटेरियल फील किया तो ये इस तरह से नजर आ रहा है, मटेरियल थोड़ा सा फील नहीं हुआ,
तो बेसिकली दिस इज द शॉर्ट शॉर्ट प्रॉब्लम कि मटेरियल पूरी तरह से फील नहीं हो पा रहा, राइट right? ठीक है चलो, तो आपके आसपास अगर कोई भी कंपोनेंट अगर है, तो भाई फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड के प्रोडक्ट हैं, तो उसको देखो आपके आसपास, ठीक है, आपको नजर आएगा और ट्राई टू फाइंड मोल्डिंग डिफेक्ट, उनके अंदर कुछ मोल्डिंग डिफेक्ट मिलेगा। अगर बहुत बड़ी कंपनी के अगर प्रोडक्ट है ना, तो मोल्डिंग डिफेक्ट हो सकता है कम चांसेस हो मिलने के, लेकिन अगर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है तो आपको जरूर मिलेगा। तो लेके आओ भाई अलग अलग कंपोनेंट, ठीक है, और उसके अंदर मोल्डिंग डिफेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा आपकी हेल्प होगी, राइट, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मेरे पास से एक कंपोनेंट है, राइट, तो ये कंपोनेंट टू केविटी का है बेसिकली। तो इसके अंदर हम लोग कुछ डिफेक्ट एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, राइट, तो उसके लिए फिर हम लोग मोल्ड को तैयार कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है, ये अभी फील्ड टाइम बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर फील्ड टाइम शो कर रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो बेसिकली अभी इसका फील्ड टाइम कितना आ रहा है, यहाँ रिजल्ट में जाके हम लोग देखते हैं, इसका फील्ड टाइम जो आ रहा है वो 1.165 सेकेंड आ रहा है, राइट। अगर मैं इसके रनर को या फिर गेट को अगर थोड़ा सा और कम कर दूं, तो ये और कम हो जाएगा, ठीक है, कर सकता हूँ, 1 सेकेंड भी कर सकता हूँ, राइट, अभी 1.1 सेकेंड है, ठीक है। तो इसी तरह से अभी देखते हैं इसके अंदर एयर ट्रैप्ड होने के चांसेस कहाँ पर है भाई, अगर होंगे अभी तो एयर ट्रैप्ड कहाँ पर होगा, देखो इसके अंदर एयर ट्रैप्ड होने के चांसेस हैं, तो यहाँ यहाँ पर एयर ट्रैप्ड होने के चांसेस है जहां पर ये मार्क नजर आ रहा है, ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे एयर ट्रैप्ड होने के चांसेस है, राइट। और यहाँ पर वेल्ड लाइन कहाँ प्रोड्यूस हो सकती है भाई, देखो वेल्ड लाइन यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकती है, देखो यहाँ पर वेल्ड लाइन प्रोड्यूस होने के चांसेस है। अगर कंपोनेंट के अंदर कभी वेल्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, तो इसका मतलब वो इस तरफ होगी या फिर इस तरफ हो सकती है कंपोनेंट के वाले पार्ट पे, राइट, ठीक है। बाकी तो अगर इनर साइड पे अगर होगी तो वो आपको नजर नहीं आएगी, राइट, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं कि वॉरपेज कहाँ पर हो सकता है, देखो वॉरपेज सी हियर, सी हियर, तो यहाँ पर दिख रहा है कि कंपोनेंट बेसिकली क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है या फिर स्ट्रेस श्रिंक हो रहा है थोड़ा सा, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या होता है, वॉरपेज डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो वॉरपेज अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करके देखूंगा, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि भाई कहाँ पर इसमें वॉरपेज डिफेक्ट हो रहा है। देखो जरा यहाँ पर डायमेंशन में थोड़ी सी कमी आएगी, राइट, देखते हैं, देखो जरा यहाँ पर डायमेंशन में थोड़ी सी कमी आ रही है, ठीक है। तो दिस इज द वॉरपेज डिफेक्ट। तो हम लोगों ने बेसिकली इसके अंदर कुछ डिफेक्ट वगैरह देखे कि किस तरह से कोई डिफेक्ट को हम लोग पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट, तो जिससे हम लोग जब हम लोग मोल्ड को डिजाइन करते हैं, तो ड्यूरिंग द डिजाइन हम लोग उसको बेहतर बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।